इस बार हम लोग आ जाते हैं उतरने के लिए मिलिट्री बेस में, और यहाँ पर जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, कहते हैं हिटलर के ज़माने की से लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं, चारों तरफ से गोलियाँ पड़ती हैं, जितनी भी स्क्वाड है सब मिलकर हमको ही मारती हैं। पता नहीं कि वो एक दूसरे से नहीं लड़ते, सिर्फ हमको मारने के लिए आते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं एक बिल्डिंग में हमको वो, और तुम्हारा भाई भी वन मैन आर्मी सबको अकेला मिल के मारता है अकेला। हाँ, इसमें भी मतलब टीम मेट उतरते हैं, नॉक फिनिश हो जाते हैं हर मैच की तरह। और भाई साहब इस मैच में भी हमको मिल जाती है एंड में AWM, और भाई जो लास्ट बंदे को जो मारते हैं ना AWM से, अलग ही मजा आने वाला है। पूरी वीडियो देखना भाई साहब, तबाही मचा देंगे बिल्कुल। तो भाई उतर जाते हैं हम सी बिल्डिंग पे, जहाँ पे जो भी हाथ में लगता है उसी खिलौने को बजाने लग जाते हैं। मिलती है कार 98 प्लस शॉट गन, इसी से टाइम पास करते हैं थोड़ी देर। फिर तो भाई यहाँ पर एक को बॉडी दे देते हैं जिससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, और स्पॉट को मार के अपना खाता खोलते हैं। तो भाई बगल में कुछ गोलियाँ चल रही होती, तो हम इस बिल्डिंग के साइड में आ जाते हैं जहाँ पर एक हम पे स्क्वाड पुश कर देती है। तो अब इनको हम ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं, देखो कैसे। और भाई इसी के साथ कर देते हैं हम इस पूरी स्क्वाड को खत्म। तो भाई बस बिल्डिंग में से तो उतर लेते हैं, पर अब होने वाले थे हमले शुरू। पूरा सीन में ये अनकट होने वाला है, इसमें कोई भी बीच में कट नहीं करने वाला, क्योंकि हर जगह लड़ाई होती रहती है और इसकी शुरुआत हो जाती है टीम मेट के नॉक होने से। तो भाई यहाँ पर मैं रिवाइव देने लग जाता हूँ, पर आसपास लोगों के फुटस्टेप आ रहे होते हैं और बम निकाल कर तैयार होते हैं लोग बम से हमको फोड़ने के लिए। तो देखो भाई कैसे बचते हैं अब यहाँ पर। तो भाई अब लेफ्ट से साउंड आते हैं जहाँ पर कंपनी की तरफ से एक ही गुंडा आता है, तो उसको देखो मारते हैं अब। तो भाई इसको तो इजीली मार देते, पर इसके बाद जो अब कांड होने वाला है ना भाई, वो जरूर देखना। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो भाई एक एक कंपनी के तीन लोग एक साथ चढ़ जाते हैं, इनको मस्त स्टाइल से मार के निकल रहा होता हूँ। तभी मेरे को पता चलता है कि टीममेट को मार के वहां पे गार्ड भी दिया जाता है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस। तो भाई इस कमरे में एक बंदा बैठा होता है, इसको मारने के लिए जुगाड़ लगाते हैं इधर उधर से, और जितने में हम जुगाड़ लगाते हैं उतने में उन तीनों का रिवाइव मिल रहा होता है। तो देखो जल्दी नहीं है। तो भाई हम यहाँ पे बम फेंक रहे होते हैं और हमको उसकी खोपड़ी दिख जाती है, इससे मेरे को पता चल जाता है कि वो भी हम पे बम फेंक रहा होता है। सबसे पहला काम होता है भगने का यहाँ से, और ये जनाब हमको ऊपर मिल गए थे फ्री में, तो इनको मार लिया। तो भाई इस स्क्वाड को भी कर देते हैं हम गुड बाय, और इसी के साथ पूरे मिलिट्री बेस में शांति स्थापित करके निकल लेते हैं यहाँ से। तो भाई अब मैप के एक कोने से दूसरे कोने पहुंच जाते हैं इस ड्रॉप का पीछा करते हुए, और तभी लेफ्ट में एक आदमी दिख जाता है जो गोली चलाता है, और भाई साहब ये बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करवाता है अपना। तो देखो भाई किस तरह मारते हैं इसको। तो भाई इसको तो दे देते हैं एक हेडशॉट, और ये कुछ महीने तक वहां से अब निकलने वाला था नहीं। ये भाई साहब चुप चुप कर हमारे बगल में आ जाते हैं। तो भाई मुश्किल से कई महीनों बाद निकला था वहां से बाहर, कि तभी हम एक और हेडशॉट दे देते हैं, यानी कि अब तो निकल रहा हो सालों तक। तो भाई इसको वेकेशन पर छोड़ने के बाद हम जाते हैं यहाँ पर ड्रॉप के साइड में, जहाँ पर हमको दूर मारने वाली गन मिल जाती है, तो उठा लेते हैं इसको और फिर यहाँ से निकल लेते हैं। तो भाई काफ़ी हिम्मत करके वो वहाँ से बाहर निकले, गोली वोली चलाने लगा, पर जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा वो फिर से अपने गुफा में छुप गया। उधर भी है
है क्या? तो भाई वहाँ पे काफी देर रुके, वो निकला नहीं, तो हम यहाँ इस पहाड़ों की तरफ आ गए जहाँ से थोड़ा एंगल लेने की कोशिश की हमने, पर यहाँ पे बड़ी मुश्किल से ही दिखा वो। तो भाई फाइनली काफी देर बाद ये मरी गया, और भाई बहुत टाइम बर्बाद किया इसने। तो भाई इससे AW में उठा के निकल लेते हैं, और यहाँ पर कुछ गाड़ी दिख जाती हैं आती हुई, तो इनको मारते हैं फिर रुक के यहाँ पर। तो भाई काफ़ी संघर्ष करने के बाद यहाँ पे एक को नॉक कर देते हैं, और ये देखो भाई रेलिंग में लगा ये गोली, मजाक चल रहा है यहाँ। तो भाई यहाँ पे आप दो जने घायल कर दिए थे, तो सीधा निकल लेते हैं आगे की तरफ पुश करने थोड़ा सा। तो मिलेंगे कम से कम एक गई है इधर ही है। तो भैया गाड़ी पीछे जाके पार्क में लगा देते हैं, और ऊपर चढ़ के थोड़ा अच्छा सा एंगल लेने की कोशिश करते हैं उनको मारने के लिए। तो भाई वो लोग तो दिख नहीं रहते, तभी मेरे को याद आता है कि मेरे पास एक फ्लेयर गन भी है, तो भाई लोग तो आते जाते रहेंगे, सबसे पहले अपना प्राइवेट ड्रॉप मंगाओ। तो भाई यहाँ पर इसको तो नॉक कर दिया था, उसके बाद पीछे से गाड़ी आ जाती है, तो भाई यहाँ पर मैं लगातार गोलियाँ बजाते रहूँगा, बस ताली बजती रहनी चाहिए। तो भाई यहाँ पर हमारी गोलियों का पूरा खजाना खाली हो गया था, पर मज़ा बड़ा आया। तो भाई वो निकलता नहीं है, और मेरे को यहाँ पे याद आ जाता है कि पीछे मैंने ड्रॉप मंगाया था, तो निकल लेता हूँ ड्रॉप लेने जहाँ पर ग्रोज़ा मिलती है, जिसको मैं उठा लेता हूँ क्योंकि एमओ नहीं होता ज़्यादा, यूज़ नहीं करता वैसे भी ग्रोज़ा को मैं, बिल्कुल यूज़ नहीं करता इस मैच में भी, सीधा AWM चलने वाली है अब तो। तो भाई एक को तो नॉक कर देते हैं, और अभी मैं उसी कंपनी के दूसरे आदमी का इंतजार कर रहा होता हूँ कि वो निकलेगा रिवाइव देने जाएगा, पर वो ऐसे जाता नहीं है, स्मोक कर देता है पहले, तो फिर मैं सीधा गाड़ी लेके हल्ला बोल देते हैं उनकी तरफ। तो भाई मैं उनके पास जा तो रहा होता हूँ, पर मेरे को अभी AWM यूज़ करनी थी अपनी, तो मैं इनके पास नहीं जाता, सीधा पीछे वाले स्क्वाड हाउस में भग जाता हूँ, वहाँ से फिर इसको अच्छी तरह से मारते हैं, फिर देखना भाई। तो भाई इसको एक बॉडी शॉट मार देते हैं, जिसके बाद ये निकलता नहीं है वहाँ से, ना ही अपने टीममेट को रिवाइव देने जाता है, बस बैठा रहता है। तो भाई यहाँ पे ऊपर आके थोड़ा उसे ललकारते निकले, जिससे हम उसके आगे घूम रहे होते हैं इधर उधर ही, तभी उसका टीममेट भी फिनिश हो जाता है, और वो निकल भी जाता है थोड़ा सा। और भाई फिर उसे एक और बॉडी शॉट दे देते हैं। तो भाई वो निकलता नहीं है, तो अब सोचा कि थोड़ा सा जश्न मनाया जाए जीतने की खुशी में, इसलिए थोड़ा ऊपर आके नाच गाना भी कर लेते हैं। तो भाई थोड़ी देर तो उसके दिमाग में प्रोसेसिंग चल रही थी कि हो क्या रहा है यहाँ पर, तो उसका थोड़ा बहुत समझ में आया जब वो थोड़ा सा बाहर निकला। तो भाई वहाँ पर थोड़े से टेक्निकल ग्लिचेस हो जाते, तो हम एक और बार चल जाते हैं अपनी परफॉर्मेंस देने।
तो भाई गए थे परफॉर्मेंस देने, आ गए मुर्गा लेकर, मैच को फिनिश किया अपने ही अंदाज में विद 18 किल्स, चिकन डिनर विनर विनर। तो भाई बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और भाई साहब पिछली वीडियो में मैंने मजाक मजाक में कह दिया था कि 30 लाइक करने का, तुमने सही में कर दिया उस पर भाई साहब, मज़ा ही आ गया बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो पर ले लेते हैं हम फिर से 30 लाइक का एम, कम तो कर नहीं सकते भाई साहब, इज्जत नहीं रहेगी थोड़ी मार्केट में, समझा करो है ना, कर देना 30 लाइक पहुँचा देना। बाय। I'm here and I'm feeling, exaggerated.